नमस्कार, आप सभी का स्वागत है स्टार सिटी न्यूज़ में। मैं इस वक्त मौजूद हूँ त्रिनगर विधानसभा शकुरपुर वार्ड 62 में। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है पूर्व मंडल उपाध्यक्ष हैं संतोष राठौर जी। आइए इनसे बात करते हैं। संतोष जी, मैं जानना चाहूँगा, जैसे अभी यहाँ से किशन बेमार जी नवनियुक्त निगम पार्षद चुने गए हैं, क्या कहना चाहेंगे उनकी जीत पर आप? उनकी जीत पर आम आदमी पार्टी की कमियों से पब्लिक ने हमें सपोर्ट किया जी और हमें वोट दिए। तो कैसा लगता है आपको सर, आगे जैसे पहले भी वो पार्षद रहे हैं, तो आने वाला जो समय आ रहा है वार्ड को लेके, वो किस तरह डेवलप करना चाहेंगे? पहले भी काम करा था किशन बेमार जी ने, उसी बेस पर वोट दिया लोगों ने। सर क्या समस्या है इस समय संतोष जी आपके वार्ड में, इस समय क्या हालात है? 5 साल पहले जब नगम पार्षद थे किशन बेमार जी, बहुत अच्छा पार्क वगैरह सब कुछ बना रखा था। आजकल सब चोरियाँ हो गई, चोरी वारदातें बढ़ चुकी है, एंगल वगैरह रेलिंग वगैरह सारी चोरी हो गई जी। ये कौन कर रहा था, यहीं के क्षेत्र के लोग हैं या बाहर के? क्षेत्र के ही लोग हैं, यहाँ डी ब्लॉक अम्बेडकर पार्क की एक आम आदमी पार्टी जहाँ ऑफिस है वहीं नाजायज कब्जा है, वहीं से रास्ता निकाल रखी है गेट से, वहीं से चोरियाँ होती हैं। तो ये क्या लगता है इस बार ये जो कब्जे हैं ये हटेंगे इस बार सर? बिल्कुल हटवाएँ सर। तो आप कब से इस राजनीति में, कब से जुड़े हैं आप? मैं 1997 से हूँ। अच्छा, किस किस पद पर रह चुके हैं सर पार्टी के आप? पार्टी में पद मंडल उपाध्यक्ष ही रहा, फिर मैं ज़्यादा वो नहीं लिया। तो समाज के बीच में आपका जो भी लोकप्रियता है, जो आप समाज की सेवा करते हैं सर, किस किस तरह की सेवा दे रहे हैं आप? जो भी समस्या होती है सब हल करता हूँ उनकी। कैसे बताइए थोड़ा? और जो हमारे रमेश डवाज जी हैं वो ज़्यादातर सेवा करते हैं। तो आदर्श आपके कौन है? रमेश डवाज जी? डवाज जी हैं हमारे, उनकी कर कमलों द्वारा चल रहे हैं। बिल्कुल सर। तो सर त्रिनगर जो आपकी विधानसभा है, यहाँ से क्या लगता है इस बार विधानसभा चुनाव में कोई हालात इस बार बदलने का देखने को मिलेगा? पूरा बदलने का आया चांस सर। त्रिनगर की तीनों की कितनी सीटें आई हैं बीजेपी की इस बार? तीनों आई सर। तो कहीं ना कहीं इस बार आपने सही, मतलब आम आदमी पार्टी को इस बार आपने धकेल दिया पूरा। बिल्कुल सर, मेहनत रंग लाई हम लोगों की। तो कानून मंत्री का एरिया होने के बावजूद भी सर यहाँ से आम आदमी पार्टी को पछाड़ा आपने। कानून मंत्री, पूर्व कानून मंत्री बोलो आप। बिल्कुल, उनकी इतनी बात कहने के बावजूद चैलेंज करा था उन्होंने अमित शाह जी को, अगर अमित शाह भी यहाँ से लड़ेगा, अगर वो जीत जाए तो मैं राजनीति संन्यास ले लूँगा। अच्छा, ये तो छोटा बच्चा लड़ा, उसने पटक दिया इनको, अब राजनीति संन्यास ले लो। अच्छा, तो ये कहना चाहेंगे उनको, आप संन्यास ले लो? बिल्कुल ले लो सर। कैसे आपका जुड़ाव हुआ इस राजनीति? तो बस मेरे भाई साहब हैं आदरणीय रवि अडवाज जी, वो बहुत सालों से जुड़े हुए हैं, दो बार इलेक्शन लड़े उन्होंने। तो आप रमेश डवाज जी को कब से जानते हैं सर? मैं आया हूँ 1988 में दिल्ली में, जब से जानता हूँ। तो रमेश डवाज जी का जो भी है लोकप्रियता समाज के बीच में, किस किस तरह की सेवा है उनकी? बहुत बढ़िया उनका है, आप पूरे एरिया में पता करो, सब लोग उनकी सपोर्ट करते हैं, सब उनकी इज्जत करते हैं, मान सम्मान करते हैं। तो बीजेपी से जुड़े हैं सर वो भी? हाँ, इलेक्शन लड़े थे वो अपने समय में कभी? 1997 लड़े थे वो, 1998 में निगम पार्षद का चुनाव निर्दलीय, फिर दोबारा लड़े बीजेपी से। इस बार मौका नहीं दिया पार्टी ने उनको? ये ऐसी सीट थी ना यार सर, 15 साल हो गए 80 सीटें। अच्छा, नए साल के मौके पे आप कुछ कहना चाहेंगे जनता को? नया साल आ रहा है, नया साल के मैं तो जनता को सब नई साल की बधाई दे रहा हूँ, जैसे शुभकामनाएं दे रहा हूँ, और 2024 में चुनाव है उनके लिए कर रहा हूँ तैयारी। नाम जानना चाहूँगा सर आपका? मेरा नाम गुड्डू अंसारी। तो सर जैसे शकुरपुर वार्ड 62 से अभी किशन बेमार जी जीते हैं, क्या कहना चाहेंगे इनकी जीत पर आप? सर ये अच्छी जीत हुई है, जबकि ये सोचा गया था कि यहाँ से ये जीतेंगे नहीं, लेकिन प्रवीण परिवार ने और जो यहाँ की जनता ने इनको सपोर्ट करा, इनको जिताया। पहले भी काउंसलर रह चुके हैं, पहले भी इन्होंने अच्छा काम करा था। मैं बीजेपी में जुड़ा हुआ 2000 से। अच्छा, मुझे आज 22 साल हो गए हैं। अच्छा, 22 साल हो गए हैं। 22 साल बीजेपी से जुड़ा हुआ हूँ मैं। रमेश डवाज जी हमारे सीनियर हैं, राजनेता भी हैं यहाँ के, वो भारतीय जनता पार्टी तरफ सेवक भी हैं वो, तो उनसे प्रेरित होकर मैं बीजेपी में जुड़ा हूँ। तो सर अभी जैसे जीते हैं किशन बेमार जी, तो क्या आप उपेक्षाएं रखते हैं, जनता क्या उपेक्षाएं रखती है आगे क्षेत्र में, किस तरह बदलाव होगा? भाई जनता उनसे अच्छी उपेक्षा रखती है, जब भी उनको जिताया है, परिवर्तन चाहती थी जनता, परिवर्तन हो गया। अभी तो सर उन्होंने शपथ भी नहीं ली है, पर फिर भी देख रहे हैं कुछ पार्कों का सुधार हो रहा है। अच्छा, शपथ लेने के बाद पता लगेगा कि क्या करते हैं, जबकि उम्मीद अच्छी है। हाँ, शुरुआत हो चुकी, उम्मीद अच्छी है। किशन बेमार जी पहले भी रह चुके थे हमारे पार्षद, ठीक था काम जब भी। सर क्षेत्र में जैसे काफ़ी इंक्रोचमेंट जो देखी जा रही है, जो कब्जे देखे जा रहे हैं, क्या ये हट पाएंगे इस बार सर वार्ड से? सर कब्जे तो हटने भी चाहिए जो अनऑथराइज हैं, और जो जायज हैं वो रहने भी चाहिए जी।
अगर जैसे मंडी लगी हुई और लगी हुई, जो आदमी कमा खा रहा है तो उसका कमाने खाने देना चाहिए। अनुथाई तरीके से जो लगे हों अनुथाई तरीके से तो गलत है। बाकी जो जायज हैं, जो साइड में होके लगे हुए हैं, रोड को छोड़ के क्लोजिंग नहीं आ रही जहाँ पर, वहाँ तो लगे रहना चाहिए। अगर काम नहीं कराया जाएगा तो कैसे बात बनेगा सर? मगर त्रिनगर विधानसभा से तीनों निगम जीते हैं बीजेपी, आम आदमी पार्टी के जो चारों तीनों सीटों पे जो चैलेंज किया था कानून मंत्री जी ने, वो कहीं ना कहीं असफल रहे सर, क्या कहेंगे इस बारे में? सर असफल तो रहा, चैलेंज तो असफल ज़्यादातर रहता ही है सर, उसके बारे में तो मैं कुछ नहीं कहूँगा। पर हाँ इतना जरूर कहूँगा, तीनों सीटें जो है भारतीय जनता पार्टी लेकर आई है, और आगे भी उम्मीद है कि अगर हमारे रमेश डबास जी को विधायक की टिकट मिलती है तो 101% वो जीतेंगे। ओके, गुंजाइश 99% नहीं, 101% वो जीतेंगे। उम्मीद इसलिए लगा रहे हैं सर, वो उन्होंने इन पार्क के अंदर बहुत काम करा, हर आदमी से मिलकर चला, हर आदमी के कहीं ना कहीं वो काम आए। और कुछ कहना चाहेंगे लास्ट में जनता में, आप नया साल आ रहा है, लास्ट में ये कहना चाहेंगे नया साल शुभ हो हमारे लिए भी, आपके लिए भी, और सबके लिए शुभ हो। लोहड़ी शुभ हो, ये हमने पोस्टर निकलवा दिए हैं, हम कामना करते हैं कि सबके लिए शुभ हो।